सौ रुपए के दो लगाओ दो। ओ भाई कितनी गाड़ियां चल रही हैं यहाँ पे। हेलो जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह हम फ्रेश वगैरह होकर लगभग रेडी हो चुके हैं। आज हम चेकआउट करेंगे यहाँ मनाली से। बाकी अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, सामान वगैरह हमने सारा पैक कर लिया है और सीधा बाइक पे लोड करके आज यहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए। ये देखो क्या हुआ है, देख रहे हो? अभी हम सामान पैक कर रहे थे, ये देखो नीचे से, ये देख रहे हो, ये टूट गया। ये अब इसको वेल्डिंग करवानी पड़ेगी, इसको सामान बांधेंगे तो दो जॉइंट और हैं जहाँ पर सपोर्ट ले रहा है ये लद्दाख कैरियर, वो भी टूट जाएगा। सामान फिलहाल तो अभी बांध रहे हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी कहीं पे कोई वेल्डिंग वाला मिलेगा तो वेल्डिंग कराते हैं। यार चले हुए हमें देर नहीं हुई, कई बसड़ हो रखी है बाइक में, पता नहीं क्या करें। एक तो ये जो थी ना रबड़ की, ये देखो ये किसी ने बाहर पूरी निकाल रखी थी और फाड़ भी दी, ये देखो ये ना, ये देखो पता नहीं किसने किया है क्यों किया है भाई, ये कर दिया। और एक ये दिखाया ही था मैंने, ये पूरी वेल्डिंग यहाँ से अलग हो गई। फिलहाल मौसम देखो पहाड़ों पे ज़बरदस्त हो रखा है, यहाँ निकल रही है धूप, अब सुबह नहीं थी। और गर्मी गर्मी तो भाई यहाँ बस नाम मात्र की ठंडक है, बाकी मनाली में पड़ रही है गर्मी। चलो भाई चल दिए मनाली से, उसी रास्ते से चलते हैं जिससे आए थे कल। वेल्डिंग हो जाएगी, हो जाएगी। ये लद्दाख कैरियर है ना जो, इसका ये जॉइंट ये टूट गया, हाँ यही है, ये वेल्डिंग हट गई है इधर। ये इस पे तो नीचे लग गया कहीं चौकर पे, कितने हुए? 50 रुपये। क्या क्या ले लिया? 1 किलो चेरी, 1 किलो खुमानी। खुमानी है आड़ू है, खुमानी नहीं होते बड़े वाले, टेस्ट अच्छा है। ये खुमानी है यार, मुझे तो आलू बुखारा लग रहा है, खुमानी है होगी, आलू बुखारा भाई है, अलग रहा है वो, पूरा रेड कलर। अरे कच्चे कच्चे ले लिए, अरे दिखाना, ये वाला कच्चे नहीं, ये भी ऐसे ही है खाने में। आड़ू है, आड़ू ऐसा है भाई, मेरे को तो आलू बुखारा लग रहा है, फुल कर दो भाई। मशीन चल नहीं रही क्या? ऑफलाइन नहीं है ना। 247 2.59। चलो भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये खाते हैं हल्के 50 रुपए का प्लेट, 100 रुपए क्या भर के 50 रुपए, मतलब समझा नहीं मैं। ये कौन, ये 50 का और दो, ये 100 रुपए के दो लगाओ दो। कोई थोड़ा सा चले फिर रुक गए हैं, रीज़न है चैन ल्यूब, बाइक की चैन में ल्यूब नहीं है, ख़त्म हो गया था हमारा, लास्ट हमने किया था टांग में, दुकान मिल गई है मेरे को, यहाँ से ले लेता हूँ एक चैन ल्यूब।
इससे छोटा नहीं है? इससे छोटा नहीं है। कितने का है? देखो कंपनी अच्छी है। इसमें वो लंबा पाइप नहीं है, वो साथ में पहले आता था साइड में लगा हुआ। हाँ हाँ हाँ। वो आरा नहीं है प्लास्टिक, वो दूर तक चला जाता है, फर्क ये है ना। 150 ml 150 रुपए थोड़ा बहुत लगेगा, लगा लेते हैं। तो 5 रुपए का बिल आया, 5 रोटी, 15 रुपए की एक रोटी थी तंदूरी, और हाफ दही 40 रुपए की थी, और 90 रुपए की हाफ दाल फ्राई थी। दाल फ्राई काफ़ी थी, दो जने खा सकते थे। नमक थोड़ा सा तेज था दाल में। तो चलते हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर दिखा रहा है अब बिलासपुर, और आज दिल्ली लगाने की पूरी कोशिश रहेगी। आगे ना मैदान, आगे का मैदान, पहाड़ पीछे रह गए। देखो क्या हो गया सर। ओ भाई ठीक हो? मिट्टी ऐसी है यहाँ की, तो स्लिप होगी ना देख लिया। अच्छा ये टक्के इसमें देखो क्या हाल हो रखा है, बिल्कुल खत्म कर दी। मतलब बहुत देर हो गई चलते चलते, यहाँ से रह गया चंडीगढ़ लगभग 29 किलोमीटर। कुराली के लिए दिखा रहा था लेफ्ट। अब हम चंडीगढ़ क्या करेंगे, हमें देखना कुराली के लिए कोई रास्ता जाता हो दिल्ली, यहाँ से जाना तो चाहिए मुझे लगता है एक। तो भाई यहाँ से दिखा रहा है ये 5 घंटे 43 मिनट 286 किलोमीटर। भाई पानी की बोतल ले लें, घनी देर से कह रही हो ना पानी। देखो ठंडी की कही है, इतनी दूर गया लेने पे। है क्या ये, मिनी हवेली, कॉफी शॉप है, ले लो। दो सौ 66 किलोमीटर बाकी है अभी। चलो भाई पानी वानी पी लें फिर चलते हैं। किसान आंदोलन की वजह से कोई रास्ता बंद है, हाईवे बंद है, हो सकता है बॉर्डर बंद हो, इस वजह से ये रास्ता दिखा रहा है गूगल। यार जाना उस तरफ था, इन्होंने अब इस तरफ मोड़ दिया, और अब ये गूगल दिखा नहीं रहा रास्ता। उधर से उन्होंने बोर्ड वो लगा रखे हैं कुछ बैरिकेडिंग, और खड़े हैं बहुत सारे वहाँ, कह रहे हैं उधर से जाओ। उन्होंने इधर से ये भेजने के लिए कहा है, अब इधर से कौन सा रास्ता है भाई पता नहीं। अब तो एक बार ये फॉलो करनी पड़ेगी जो आगे जा रही है, तो गूगल नहीं दिखा पा रहा है रास्ता आगे से। इसका दम टूट गया गूगल का, घुमा के इसने यही भूल दिया कि वापस यहीं आ जाओ। ये देखो टर्न लेफ्ट राइट कर कर आके ये यहीं बुला रहा है। अरे यार कहाँ फंस गए पता नहीं यार, रास्ते ऐसे बंद हो रखे हैं ना, कोई साधन नहीं निकलने का। अंदर ही अंदर घूम रहे हैं, कहाँ से बाहर निकलेंगे कुछ नहीं पता। पेट्रोल डलवा लें भाई, पहले फुल कर दो भाई टंकी। हाँ हाँ फुल करना, 7.36 लीटर। चलो भाई चलते हैं। चलो भाई पेट्रोल तो हो गया 710 का। ये देखो भाई हाल, सबसे बुरा हाल, आधा पौना घंटा हो गया मैं यहीं अंबाला बॉर्डर पे अंदर गांव में, इधर उधर कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। इतनी धूल, इतनी गर्मी, ट्रैफिक, बॉर्डर बंद कर रखे हैं, पता नहीं क्या क्या हासिल होगा भाई इन चीज़ों से। दुनिया परेशान हो रही है, तेल फूक रही है एक्स्ट्रा। मैं देखो टाइम हमें हो गया यहीं की यहीं अभी 8:17। तो भाई 172 किलोमीटर पीछे यहाँ बाइक लगा रहे हैं, थक गए काफी। ये है भैया करनाल, और हम तो सड़े हुए हैं धूल मिट्टी में।
चलो भाई ऑर्डर वगैरह कर देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या ऑर्डर करना, क्या मिलेगा। सफर तो चलता रहेगा, काफी लंबा है फिलहाल, अभी ब्रेक लेकर उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। चलो भाई खाना पीना तो हो गया यहाँ, अपना दो राज कचौड़ी और कोल्ड ड्रिंक ली, उसके बाद में दो खाई कुल्फी केसर पिस्ता वाली, 110 रुपए की दो भी दे देगा, बढ़िया अपना रिलैक्स भी हो गए, पेट भी भर गया, ठंडक में मिल गई। अब चलते हैं करनाल की तरफ, जरा इसे भी लगा देते हैं भाई एक बार। चलो भाई हो गया टूर पवाड़ा हमारा, तो गए थे भैंस की आँख, ये फोन ही गिर गया। कितनी गाड़ियां चल रही हैं यहाँ पे, पूरी स्क्रीन चेसी वगैरह सब फट गई इसकी।